नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। दक्षिण चीन सागर, ये वो क्षेत्र है जिसमें दखल देने पर चीन अमेरिका को भी नहीं छोड़ता, लड़ने को तैयार हो जाता। ऐसी जगह पर अब भारत ने अपना युद्धपोत तैनात कर बड़बोले चीन को खुलेआम चुनौती दे दी। साथ ही ये सख्त संदेश भी दे दिया कि ये आज का भारत है, पीछे हटने वाला नहीं है, ये आंख में आंख डालकर बात करना जानता है। पिछले कई महीनों से सीमा पर तनाव पैदा करने वाले चीन को लगता है कि वो सीमा पर भारी संख्या में सेना को तैनात करके भारत को डरा लेगा, लेकिन भारत ने उससे दो कदम आगे जाकर दक्षिण चीन सागर में उसे चुनौती दे दी। भारत ने दक्षिण चीन सागर के क्षेत्र में जंगी जहाज तैनात कर दिया। ये वही क्षेत्र है जहां चीन भारत के जंगी जहाज का विरोध करता रहा। वो समय समय पर इसके खिलाफ शिकायत भी करता रहा है। भारतीय नौसेना के इस जहाज की तैनाती से चीन में बेचैनी का माहौल है। चीन ने भारत के सामने ये मुद्दा उठाया है और इस पर विरोध भी जताया है। इस क्षेत्र में अमेरिकी युद्धपोत भी पहले से ही तैनात है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने यहां अपने जंगी युद्धपोत की तैनाती के दौरान अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए था। इस मिशन को बहुत ही गोपनीय तरीके से अंजाम दिया गया। भारतीय नौसेना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास मलक्का स्ट्रेट्स में चीनी नौसेना की गतिविधि पर भी तेजी से नजर रख रहा है। इसके लिए भारत ने अपने फ्रंटलाइन जहाजों को तैनात किया। चीनी नौसेना इसी रास्ते से हिंद महासागर में प्रवेश करती है। इसके अलावा कई चीनी जहाज भी तेल या मर्चेंट शिपमेंट्स के साथ बाकी महाद्वीपों से आकर इसी रास्ते से गुजरते हैं।